1 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटर की पेपर शीट, इसके ऊपर ये बटरफ्लाई शेप रख के ऐसे मार्क करके लेना है। कटर का यूज करके ये बटरफ्लाई का शेप जो है वो ऐसे कट करके लेना है। आपको चाहिए तो आप कैंची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कटर से ये आसान हो जाएगा। कट करने के बाद इसे ये ओपन करके हाफ फोल्ड कर देना है। ये देखो, ये ऐसे। अब बटरफ्लाई के कई और पीसेस हम बना लेने वाले हैं, अलग अलग रंग के और अलग अलग आकार के। बटरफ्लाई का शेप ड्रॉ करने के बाद उसे हाफ फोल्ड करके काटे, ताकि क्या होगा, वो सिमेट्रिकली कट हो जाएगा, दोनों साइड से सेम दिखेगा। ये देखो, ये कई सारे बटरफ्लाई अलग अलग रंग के मैंने बना लिए हैं। इसे हम इसके ऊपर पेस्ट करने वाले हैं। ये देखो, ऐसे सेम कलर एक दूसरे के साइड में ना रखे, थोड़े थोड़े दूर रखे। ये देखो, ये ऐसे मैंने सारे चिपका लिए हैं। कितना खूबसूरत दिख रहा है। चलो इसके ऊपर और नीचे ये फोम शीट लगाने वाले। फोम शीट के स्ट्रिप्स मैंने कट करके लिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के हैं। ऊपर और नीचे दोनों साइड में ही चिपका लेना है। इसके बाद इसे स्टिफनेस देने के लिए न्यूज़पेपर का ऐसा रोल करके लेना है। न्यूज़पेपर का एक लेयर पूरा यूज करना है और इसका ऐसा मोटा सा लेयर बना रोल बनाना है, और उसे एक ढक्कन के बीच में ऐसे राउंड शेप दे देना है। याद रखिए, वही ढक्कन यूज़ करें जिस साइज का आपको आकाशकंदील बनाना है। इसे दो करके लेने हैं, एक ऊपर के लिए और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर के लिए और एक नीचे की तरफ। इसके बाद लटकन बनाने के लिए एक और न्यूज़पेपर रोल, जो कि छोटा है साइज में, उसे मैंने लिया है। बीच में एक थ्रेड रखी है और इसे मैं रोल करते जा रही हूँ। अब ये जो पेपर है 7 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर की है, उसे फोल्ड करके ऐसे कट्स लगाने हैं। और इसे हम उस रोल के ऊपर लपेटने वाले हैं, लेकिन याद रखें थ्रेड वाली जो साइड है वो ऊपर लेनी है, और जो कट्स लगाए हैं, मतलब पॉम जो बनाने वाले हैं, उसकी साइड नीचे होनी चाहिए। तो इसे 4 बना के लेने हैं। तो इसे और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पार्कल शेप ली है, हाफ राउंड शेप की, और उसे मैं ऐसे इसे मैं कोन शेप में चिपका रही हूँ। ये देखो ऐसे, और फिर इसे सुई में डाल रही हूँ। इसके बाद ये और पर्ल्स ऐड कर रही हूँ, और इसके ऊपर हम ये बटरफ्लाईज चिपकाने वाले हैं, अलग अलग कलर के चिपकाने वाले हैं। और सूखने के बाद इन्हें ऐसे फोल्ड करना है। याद रखें, सूखने के बाद ही फोल्ड करना है, नहीं तो वो फिसल जाएगा। सेम 4 बना लेने हैं। ये देखो, ये तैयार है। अभी हम इन्हें क्या करेंगे, ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे अटैच करेंगे। सुई धागे की मदद से आसानी हो जाएगी। एक के बाद एक सारे यहाँ पे मैं लगा के ले रही हूँ। और थोड़ा डेकोरेशन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे स्पार्कल शीट का और एक रोल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे स्पार्कल शीट जो है वो फेविकॉल से इजीली नहीं चिपकती, तो आप फेविक्विक यूज कर सकते हैं, या फिर फेविस्टिक यूज कर सकते हैं, या फिर ग्लू गन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लिप तैयार है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड जो है हमें ज्वाइन करके लेने हैं। ये बीच में चक्र लगाने के मैंने यहाँ पे 4 पेपर शीट के रोल बना के लिए, वो एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे रख के चिपका देने हैं, और थ्रेड से सिक्योर करने हैं, और थ्रेड थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, जो कि हम लटकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तैयार है और करके लेना है। ये देखो, ये ऐसे, तो इसे अंदर कैसे डालना है, तो सबसे पहले इसे रोल करके लेना है।
ये देखो ये ऐसे लगाए ऊपर से नीचे तक। अब ऊपर का साइड चिपकाने से पहले ये जो चक्र है वो अंदर जाएगा। इसके साइड्स पे ऐसे फेविकॉल लगे लगाएं ताकि वो अंदर डालने के बाद नीचे से चिपक जाए ठीक से। देखिए ये ऐसे चिपक जाना चाहिए, तो उसे यहाँ पे चिपकाएं और फिर ऊपर की साइड सिक्योर करें। तो चलिए हमारा आकाश कंदील जो है वो रेडी है। इसके अंदर आप लाइट छोड़ सकते हैं। लाइट छोड़ने के बाद ये काफी खूबसूरत दिखता है, ये देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें ताकि ऐसे ही बहुत अच्छे से वीडियो आपको वो पोस्ट करते ही नजर आएंगे। और हाँ, आकाश कंदील पे ऊपर बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई है, आप चैनल को विजिट करके एक बार वो सब चेक करें। आप सबको हैप्पी दिवाली, बाय बाय।